स्वागत है आप सबका। आज हम इंडिया के एडवर्टाइजमेंट पे थोड़ी बहुत कमेंट्री करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आओ मिस्टर साइंटिस्ट, हो गया एडमिशन आईआईटी में? कल से बेकरी आ जाना, वैसे भी लोग कम है वहाँ। मुझे इस बाप की एक चीज बहुत अच्छी लगी, इसको पहले से ही मालूम था कि इसका बेटा चूतिया है। चलो अच्छी बात है। IIM यानी आइडिया इंटरनेट नेटवर्क, यहाँ पर आप में से कोई भी कुछ भी सीख सकता है अगर सीखने की चाह हो तो। अभी मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ। ये एडवर्टाइजमेंट देख के मैं बहुत खुश हो गया। मैंने अपने दोस्त को IIM के बारे में बताया, वो भी बहुत खुश हो गया। मुझे लगा चलो अच्छा है, मैंने जिंदगी में कुछ तो पुण्य किया, साला किसी का जिंदगी तो सुधारा मैंने। तो फिर मेरे दोस्त ने बोला कि मेरे पास अभी नेट नहीं है, क्या मैं तेरे IIM से पढ़ूं? मैं बोला ले भाई, अगर तुझे पढ़ना है तो बिल्कुल ले। तो वो फोन लेके चला गया, कहीं तो पढ़ने गया, मुझे नहीं पता। आधे घंटे बाद मुझे मेरे फोन की जरूरत पड़ी, तो मैं उसके पास फोन मांगने गया तो उल्टे सीधे आवाज आ रहे थे मेरे फोन से। जब मैं उसके पास गया, IIM छोड़ो, उसके फोन में मियाँ खलीफा थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा मेरा दोस्त गलत भी नहीं है। मतलब आप ही सोचो, आप 19 से 20 साल के लड़के हो, कोई आता है आपके पास, आपको बोलता है कि मेरे फोन में बहुत सारा नेट है, हद से ज्यादा स्पीड है, ये ले मेरा फोन, तू पढ़ाई कर। क्या आप पढ़ाई करोगे? बिल्कुल नहीं। जिसने भी हाँ बोला है ना, उसके झाट के बाल सफेद निकलेंगे, क्योंकि साला सीधा मुंह पे झूठ बोल रहा है, हरामी कहीं का। चलो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट पे बढ़ते हैं। बहू। हाँ जी मम्मी। तुम लोग रोज रात को करते हो ना? रोज करते हैं, पर उनको काफी दर्द होता है ना। तुम लोगों को ब्रांड बदलने की जरूरत है। पर सब तो बोलते हैं डॉक्टर्स का सुझाव नंबर वन ब्रांड है। तुम्हारे पापा और मैं रोज रात को यही ब्रांड इस्तेमाल करते हैं। पूरी रात प्रोटेक्शन, रिफ्रेशिंग और रिलैक्स भी लगता है। तुम दोनों को भी रोज रात को करना चाहिए, ताकि हमारी उम्र में आकर हेल्थ अच्छी रहे। रात को तुम्हारे सब कुछ हाइजीनिक करते हो, ओरल का भी रखो। ओरल भी अब से सिर्फ एक्वाबाई, ऑलराउंड प्रोटेक्शन के लिए। तो ये एडवर्टाइजमेंट देख के आप क्या समझ सकते हो कि एक पति अपने पत्नी से इश्क लड़ाने की कोशिश कर रहा है दांत घिसते घिसते, लेकिन तब ही उसकी माँ आ जाती है और ये पूछती है कि क्या तुम लोग रोज रात को करते हो? वाह, मेरी भी माँ है, बहुत लोगों की माँ है। आप बताओ कि जब आप ब्रश कर रहे हो, आपकी माँ आके आपको ये पूछती है क्या तुम रोज रात को करते हो, आप शादीशुदा हो या ना हो, क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हो अपनी माँ से? नहीं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट है, चलो ठीक है, मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। और तब ही इसकी माँ ओरल पे भी चली गई। ये वो ओरल नहीं जो टीचर आपकी क्लास में लेती है, ये वो ओरल है जो टीचर आपकी प्राइवेट में लेती है। आप तो होशियार हो, समझ ही गए होंगे। और मैं लिख के दे सकता हूँ, ये दुनिया का पहला लड़का है जो अपनी ही माँ को ठरकी समझ रहा होगा, या कम से कम ये तो समझ ही रहा होगा कि इसकी माँ इससे दो कदम आगे है। एक्सपीरियंस मैटर्स। तो बस वीडियो को आज हम यहीं पे खत्म करते। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हम अपना लेके फेसबुक में भी आ चुके हैं, तो वहाँ भी फॉलो कीजिए आप हमें प्लीज। और यूट्यूब में तो आप तीन तीन चीजें कर सकते हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, तो प्लीज तीनों कीजिए, दबा के कीजिए। चलो थैंक यू, बाय।